Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina and I welcome you all to the Nursing Next Life platform, your digital coaching Pathshala. So today we'll be discussing about another very important disease condition, which is acute and chronic renal failure. We are discussing today the acute renal failure, which is one of the most common topic for undergraduate examination. Now, if you are BSc nursing student, agar aapka university examination pass aane wala hai, then this is the topic which you cannot skip. Acute renal failure se sabse zyada question aate hain. To acute renal failure ke basic uske bare mein hame pata hona chahiye. Especially definition aa sakti hai in short answer question. You can be asked about the classification of acute renal failure, the phases of acute renal failure, kya phases hote hain, the medical and the nursing management is also very important, right? So today we'll be discussing about all these part. Aaj ye sare part ko hum log discuss karenge one by one, right? So let's start with the definition of acute renal failure. Yes, how do we define acute renal failure? In case if we need to define it, then kaise define karenge acute renal failure? So acute renal failure, in simple way, the definition is, the first very important point, hum renal failure is also called as kidney injury. तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार ऐसा होता है दैट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड. बुक्स में कई जगह किडनी इंजरी से एड्रेस होता है कि किडनी इंजरी लिखा होता है, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर सेम, राइट? रीनल फेलियर को ही किडनी इंजरी कहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी. कई बार आपने इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म भी देखा होगा, AKI, राइट? सो AKI इज बेसिकली फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, एक्यूट किडनी इंजरी, राइट? एक्यूट किडनी इंजरी. तो ये है आपका आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन. नाउ हाउ डू वी डिफाइन एक्यूट किडनी इंजरी? अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली इट इज यू कैन से अ डैमेज टू किडनी विच रिजल्ट इन टू रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन. एंड रीनल के सबसे इंपॉर्टेंट जैसे वाइटल ऑर्गन है ना, हार्ट लंग, वैसे रीनल इज ऑल्सो अ वाइटल ऑर्गन. सो इफ देर इज एनी फॉर्म ऑफ इंजरी टू द किडनी, इट विल रिजल्ट इन टू द रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, राइट? ऑलरेडी हम एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ चुके हैं, तो उससे थोड़ा सिमिलर है रीनल फेलियर. मतलब उसके थोड़े साइन एंड सिम्टम यहाँ पे भी आएंगे, तो आई एम श्योर आप लोगों को क्लैरिटी होगी जब हमने नेफ्रोटिक पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, राइट? डेफिनेशन क्लियर हो गया. नाउ लेट अस डिस्कस द क्लासिफिकेशन पार्ट. इफ आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, अगर हमें एक्यूट किडनी इंजरी को AKI, अगर हमें एक्यूट किडनी इंजरी को क्लासिफाई करना है, देन कितनी क्लासिफिकेशन होगी? सो देर आर थ्री क्लासिफिकेशन. कितनी क्लासिफिकेशन है? तीन क्लासिफिकेशन है. नाउ बता दोस्त, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका प्री रीनल. द फर्स्ट इज प्री रीनल. पहला क्लास है प्री रीनल, दूसरा क्लास है रीनल acute kidney injury, and the final class, जो आपका last class है, वो है post renal, right? So these are the three classification of acute kidney injury. इनके बारे में एक brief में पढ़ते हैं कि ये जो classification है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. So let us start with pre renal, जो कि सबसे पहली classification है. In case of pre renal, right? So in case of pre renal acute kidney injury, what exactly happened? So आपको जो है दो तीन point याद रखने हैं कि pre renal में क्या हो रहा है and what can happen, इससे क्या हो सकता है. pre renal acute kidney injury, by the name itself, injury कहां से हो रही है, मतलब renal injury होने से पहले वाला phase, pre renal, right? उसके बाद आपकी injury हो जाएगी.
सो प्री रीनल में जो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, दिस प्री रीनल स्टेज बेसिकली, अगर प्री रीनल जो आपका जो स्टेज है वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज रीनल परफ्यूजन. परफ्यूजन का मतलब क्या है? ब्लड सप्लाई. ऑलवेज रिमेम्बर वेन एवर आई एम राइटिंग परफ्यूजन दैट मीन्स ब्लड सप्लाई. सो प्री रीनल एक्यूट जो किडनी इंजरी हो रही है, इट अकर बिकॉज ऑफ देयर इज डिक्रीज रीनल ब्लड सप्लाई. किडनी को ब्लड जो है, ब्लड की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई, किडनी की ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, किडनी के फंक्शन रैपिडली लॉस होने लग गए. एंड जब किडनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यूरिया, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, राइट. सो ये क्या है, उसको एक्सक्रीट करना है यूरिन के थ्रू, बट नाउ बिकॉज देर इज इंजरी इन द किडनी, सो किडनी वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन प्रॉपरली, राइट. उसके जो फंक्शन होंगे वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे. So what will happen if the kidney is not able to secrete out the metabolic waste product, that means they will remain in the blood supply. So there is increased level of metabolic waste product in the blood. Creatinine and aapka blood urea nitrogen ka level badh jayega blood mein. Iske saath saath kya hoga, one more important characteristics feature of pre-renal is urine output decrease ho jayega. Urine output will get decreased. So these are three important clinical features जो कि हमारे pre renal stage में हो रहे हैं. और pre renal stage जो होती है उसमें सबसे important क्या है, किस वजह से हो रही है, because of decreased blood supply to the kidney. Now let us understand why what situation can occur that can result into decreased blood supply. ऐसे क्या causes हो सकते हैं, what could be the possible causes, what could be the possible causes that can result into decreased blood supply to the kidney. सबसे पहला जो cause हम पढ़ सकते हैं वो ये है, congestive heart failure. Yes. Now, congestive heart failure, we need to understand the definition of congestive heart failure. बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. देखिए, there is a very important question which generally आपके वाइवा में पूछा जाता है, medical, surgical, nursing में. जब भी आपका practical होता है उसमें वाइवा में ये commonly पूछते हैं कि difference between, what is the difference between congestive heart failure and cardiac arrest. दो चीजें हैं. I have asked two important things. एक मैंने बोला that what is the difference between congestive heart failure and cardiac arrest. Cardiac arrest is different and congestive heart failure is different. ठीक है, congestive heart failure and cardiac arrest both are different things. दोनों same नहीं है. In one, now let us see one by one क्या difference है. Congestive heart failure में क्या हो रहा है? The left ventricle, आपका जो left ventricle है, which is important क्योंकि वो systemic circulation में blood आपका जो है वो करता है. राइट, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को फेंकता है. बट इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर द हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. दैट मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पंपिंग एक्शन, जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गया है. राइट, इम्पेयरमेंट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. नाउ हार्ट इज वोंट बी एबल टू pump the blood into the systemic circulation. उसे बोलेंगे congestive heart failure. Now, what is happening in cardiac arrest? Cardiac arrest की situation में क्या होता है? जो हमारी electrical activity going on in the cardiac arrest, we have the SA node, then the electrical impulse will go to the AV node. ये जो भी आपका conduction system होता है, electrical conduction system, वो completely stop हो जाएगा. We can say complete cessation of heartbeat, that is cardiac arrest, right? Which is an emergency situation. We need to immediately give the CPR to the patient, cardiopulmonary resuscitation to the patient, right? So I hope the difference between congestive heart failure and the cardiac arrest is clear to all. Now back to our topic, hum pad rahe the ki pre-renal ka sabse bada cause, pre-renal kyu ho raha hai? Because there is decreased blood supply to the kidney, jiski wajah se uske kidney ke jo function hai wo impaired ho gaye. Now kidney won't be able to excrete out the metabolic waste product, it will remain in the blood, the level will goes high.
BUN and creatinine, but simultaneously urine output less ho jayega, right? What will be the associated causes that result to decrease renal perfusion? Ye jo blood supply kidney ka reduce hua hai, iske kya causes ho sakte hain? Number one, we have discussed ke ek cause to ho sakta hai, wo hai aapka congestive heart failure. जिसमें क्या होगा, इफ देयर इज, अगर पंपिंग एक्शन बेसिकली इंपेयर्ड होगा तो इसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पंप नहीं हो रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट का कार्डियक आउटपुट लो होगा. कार्डियक आउटपुट लो होगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर लो होगा. मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा, दैट कैन फर्दर उससे क्या रिजल्ट आएगा, आपका पेशेंट का जो ब्लड फ्लो होगा टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वो लो होगा, एंड समवेयर किडनी विल आल्सो रिसीव लो हाइपोपरफ्यूजन, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, राइट. एक रीजन ये हो सकता है. दूसरा रीजन इसके अलावा ये हो सकता है, प्री रीनल के स्टेज में किडनी को ब्लड सप्लाई कम क्यों मिल रही है, इन केस ऑफ लिवर इंजरी. अगर पेशेंट को लिवर इंजरी है, now we need to understand liver injury से होगा क्या. liver, जैसे हमने nephrotic में पढ़ा था that liver is a very vital organ जो कि albumin produce करता है, which is the most abundant plasma protein, right? so albumin produce कर रहा है liver. अगर liver injury हो गई, now liver का जो function है to produce the albumin impaired हो गया, again liver won't be able to produce the albumin. अगर albumin produce नहीं होगा, so what will happen, and now we already discussed ke albumin ka ek bahut hi important function hai, that is to maintain the oncotic pressure, right? ye hum sab logo ne yahi padha tha ke albumin ka ek important function kya hai, intravascular space mein if you have albumin, let's take an example. okay, let me make the albumin in different color so that we can differentiate. yes, let's take an example. this is the intravascular space and we have, this is albumin, right? albumin is responsible for maintaining the oncotic pressure, that means they love water. albumin kya karta hai, they love water and they try to hold the water with them, right? apne saath water ko bilkul hold karke rakhta hai. so agar albumin present hai, that means water molecule can easily enter into the intravascular space and it will maintain the equilibrium. अगर एल्ब्यूमिन लेस है, नाउ यू आर हैविंग, बिकॉज पेशेंट को लिवर इंजरी है जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन का इनफ नंबर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी में, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर विल नॉट बी एबल टू रिटेन इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस. वाटर आपका सारा कहाँ जाएगा, थर्ड स्पेस विच इज इंटरस्टीशियल स्पेस में आ जाएगा एंड वही एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर क्या होगा, विद दिस व्हाट विल हैपन, it can result into it can result into decrease arterial blood volume and that further result into decrease mean arterial pressure jo ki further aapka renal perfusion cause karega, decrease renal perfusion, right? decrease renal perfusion. it could also this is also one of the reason ke kidney ko blood supply less mil raha hai, jisse ki isme aapka kya hoga, albuminemia ho jayega, ज्यादा प्रोटीन लॉस होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन आ जाएगी, लिपिड ज्यादा हो जाएंगे, राइट. सो प्री रीनल में आपको जो चीजें याद रखनी है, नंबर वन, ये इसका जो मेन रीजन है व्हाई प्री रीनल स्टेज इज हैपनिंग, बिकॉज देयर इज लो ब्लड सप्लाई टू द किडनी. एंड व्हाट कुड बी द क्लिनिकल मैनिफेस्ट क्लिनिकल फीचर, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिटेनाइन, जो वेस्ट प्रोडक्ट था जो किडनी एक्सक्रीट आउट करती थी थ्रू द यूरिन, नाउ द किडनी वोंट बी एबल टू डू सो, राइट. अलोंग विद दैट देयर विल बी डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट. नाउ देयर आर मल्टीपल रीजन के ब्लड सप्लाई क्यों लॉस हुआ किडनी को, जो हमने डिस्कस किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन. ओके, सो सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका क्या है, विच इज रीनल, renal acute kidney injury, this is also known as intrarenal. अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्री रीनल में इट इज अकरिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज सप्लाई, ब्लड सप्लाई टू द किडनी. सो अनलाइकली, अनलाइक टू द प्री रीनल स्टेज, ये जो आपकी रीनल स्टेज है यहां पे हो रहा है, इट इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ डैमेज टू द parenchymal cell, damage to the kidney parenchyma. yes,
किडनी पेरेन्काइमा की डैमेज की वजह से आपका रीनल स्टेज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो कैसे डैमेज हुआ, ऐसा क्या हुआ कि किडनी के जो पेरेन्काइमल जो टिश्यू है वो डैमेज हो गए, क्या रीजन था। अब रीजन क्या हो सकता है, इन केस अगर पेशेंट को, जैसे मान लीजिए इन केस पेशेंट को ब्लड सप्लाई लॉस है बहुत लंबे टाइम से, राइट, इफ देयर इज लॉस इन ब्लड सप्लाई, लॉस और डिक्रीज, मान लो लेट्स से डिक्रीज, देयर इज पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई, पेशेंट का क्या है ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, रीनल परफ्यूजन बहुत फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट विल हैपन, बेसिकली जो हमारे पेरेन्काइमल सेल है, राइट, जो पेशेंट के, ये जो हमारा पेरेन्काइमल, ये जो पेरेन्काइमल आपके जो ट्यूब्यूलर सेल है, राइट, ट्यूब्यूलर जो सेल है वो क्या करेंगे, दे वोंट बी एबल टू रिसीव। अब नाउ वी ऑल नो कि टिश्यू को फंक्शनिंग के लिए, पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टिश्यू रिक्वायर्स ऑक्सीजन, राइट, वी नो दिस दैट टिश्यू रिक्वायर ऑक्सीजन, तभी वो उनकी मेटाबॉलिक नीड पूरी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, बट क्योंकि परफ्यूजन ब्लड सप्लाई कम था जिसकी वजह से टिश्यू को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो दे विल रिजल्ट एंड अप इनटू इस्कीमिया, राइट, इस्कीमिया हो जाएगा, एंड आफ्टर इस्कीमिया अगर ये ट्रीटेड नहीं हुआ देन इट रिजल्ट इनटू सेल डेथ, नेक्रोसिस होने लगेगा, राइट, एंड नेक्रोसिस इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस कंडीशन। सो दिस रीनल, जो आपकी रीनल स्टेज है, दिस रीनल स्टेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी इज बिकॉज ऑफ एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, जो हमारे ट्यूब्यूलर सेल है दे आर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, ब्लड, बिकॉज ब्लड कैरी ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, दे वोंट बी एबल टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो गया, एंड देन लेटर ऑन इट कैन रिजल्ट इनटू नेक्रोसिस, राइट। सो फर्दर क्या होगा, आपके जो किडनी के मेन फंक्शन है सेम वो डिटेरियोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, एंड डिक्रीज होगा यूरिन आउटपुट, ठीक है। दिस इज द रीनल कॉज ऑफ acute kidney injury. Now we need to understand कि ये जो आपकी blood supply है, ये ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बहुत लंबे time तक patient को blood supply decrease हो गई, and ये parenchymal injury हो गई। अब क्या क्या reason हो सकता है parenchymal injury का, number one हमने बोला, जो हमने discuss किया sepsis, sepsis एक condition हो सकती है जिसकी वजह से patient को for a chronic period of time patient is having low perfusion in the kidney and tissue can experience ischemia and necrosis, right? Now let us discuss the third classification. Aapki third classification kya thi? This is post renal. Now post renal mein kya aayega aapka? Post renal. In case of jaise hamara renal low blood perfusion to the kidney. प्री रीनल में क्या हो रहा था, उसके पेरेन्काइमल टिश्यू डैमेज हो रहे थे एंड बिकॉज ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा था। पोस्ट रीनल में क्या हो रहा है, पोस्ट रीनल स्टेज में देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन, इट इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, एंड ये ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी हो सकता है, बिटवीन द ट्यूब्यूल्स टू यूरेथ्रल मिएटस तक कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पोस्ट रीनल एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, राइट। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज के पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्या हो सकते हैं, सबसे कॉमन एंड मोस्ट ईजी टू रिमेम्बर इज स्टोन्स, राइट भाई, स्टोन्स प्रेजेंट है या तो यूरेटर में प्रेजेंट है, ब्लैडर में प्रेजेंट है, या फिर यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है एंड पेशेंट का जो किडनी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गया है, राइट।
अदर रीजन क्या हो सकता है इसके अलावा, स्टोन्स के अलावा और क्या रीजन हो सकता है? देयर कुड बी ट्रॉमा, पेशेंट को ट्रॉमा या इंजरी हुआ है, एडिमा हो सकता है, राइट, एडिमा हो सकता है. दीज आर सर्टेन कॉजेस जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है. नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी है उसकी क्लासिफिकेशन में तीन क्लासिफिकेशन है. देयर आर थ्री स्टेजेस, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल. प्री रीनल क्या हो रहा था, डिक्रीज किडनी परफ्यूजन. रीनल में क्या हो रहा है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस. किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज लंबे टाइम तक ब्लड सप्लाई लॉस था, इस्चीमिया नेक्रोसिस हो गया. पोस्ट रीनल में क्या हो रहा है, देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. क्यों हो रहा है, कॉमन रीजन स्टोन्स की वजह से हो रहा है, राइट. Now these are the classification of acute renal failure. Now let us discuss about the acute renal failure phases. So इसमें चार phases होते हैं. There are four phases of acute renal failure. Number one, and onset. ये भी बहुत important है. कई बार 5 marks के question में आ जाता है. Describe the phases of acute renal failure. So number one phase होता है आपका onset. Onset is basically the phase or period which occur soon after the injury to or injury or insult, renal insult, till the oliguria phase. Onset phase में क्या हो रहा है, आपका renal insult से लेके ये रहेगा oliguria phase तक, right? Oliguria defined as when the urine output is less than equal to 400 ml in 24 hours. That is oliguria. ठीक है, so onset सबसे पहला phase क्या होता है, the moment renal injury start हुआ, insult start हुआ, cell damage start हुआ, वहां से patient ने oliguria experience करना start कर दिया. That is considered as the phase number one, which is onset. Right? Now let's talk about phase number two. अगर हम phase number two की बात करें तो phase number two होता है oliguria. So oliguria phase में क्या हो रहा है, now at this phase, इस phase में kidney का जो आपका basic function था which is to excrete out the metabolic waste product, वो impaired हो जाएगा and the concentration of all the metabolic waste product will be very high, will be getting high in the intravascular volume. मतलब आपका oliguria हुआ, उसके साथ blood urea nitrogen creatinine का level जो है बढ़ जाएगा पेशेंट के ब्लड में, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप होने लगेगा क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, राइट. इसके बाद आता है थर्ड फेज. अगर हम थर्ड फेज की बात करें, सो इन थर्ड फेज आपका क्या है, डायूरेसिस फेज है. अब ये वाली जो फेज होता है, इस फेज में स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है. इस फेज में आपके ओलिग्यूरिया वाले फेज में क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया था जिसकी वजह से फिल्टर आउट नहीं कर पा रहे थे, आपका मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा था. बट इन डायूरेसिस फेज की, जब आप डायूरेसिस फेज में आते हो तो जितना भी बॉडी का जो जितना फ्लूड बिल्डअप हो गया था, जो रिटेन कर रही थी बॉडी, नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है. एंड इन दिस फेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है ये नॉर्मल होने लगता है. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिकवरी फेज. एंड लास्ट जो फेज आता है ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इज द रिकवरी फेज. ये क्या आ गया आपका, रिकवरी फेज आ गया. इट बेसिकली डिपेंड अपॉन रिकवरी. ऐसा नहीं है कि विद इन वन वीक में आपका पेशेंट रिकवर कर जाए. इट टेक्स अराउंड 3 to 12 months duration for the recovery, for complete recovery, right? Depend upon the management and the treatment which the patient is receiving. Recovery phase mein kya hota hai, slowly and gradually patient ka glomerular filtration jo rate hai wo normal hone lagega. Patient ke metabolic waste product now as usual jo unki normal range hai wo within normal range mein aane lagenge. In case अगर patient का kidney damage बहुत ज्यादा extensive है, injury जो है, and patient का treatment हमने timely start नहीं किया, तो उस case में हम कहाँ पहुंच जाते हैं, these four stages are the part of acute renal failure. But अगर patient का treatment, injury बहुत ज्यादा extensive है, patient has not received the treatment, proper treatment of acute renal failure, then what will happen, we will enter into the fifth stage of renal failure, जिसको हम बोलते हैं end stage kidney injury या फिर chronic renal failure.
ठीक है, जिसे क्रॉनिक रीनल फेलियर भी बोला जाता है. सो दिस इज अ वेरी लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू एक्यूट रीनल फेलियर. एक्यूट रीनल फेलियर में मैनेजमेंट हो जाता है. अगेन एक्यूट रीनल फेलियर ज्यादा कॉमन है आपके क्वेश्चन के फॉर्म में. तो इतना हमें क्लैरिटी हुआ, फेजेस पता चल गया, क्लासिफिकेशन पता चल गया, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर, अगर हम यहाँ पे इसमें एक और चीज डिस्कस करें, यस लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. देन हमने, इफ यू ऑल रिमेम्बर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समवेयर विल बी सिमिलर विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट. क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेगी? प्रोटीन यूरिया होगा पेशेंट को, यस, क्योंकि किडनी का फंक्शन इंपेयर्ड हुआ है, सो प्रोटीन यूरिया विल बी देयर. हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यस, वो भी होगा. हाइपरलिपिडीमिया भी होगा पेशेंट को, कंफ्यूजन होगा. अब कंफ्यूजन एंड जितने भी आपके फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला जो साइन इन सिम्टम है, जैसे ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल व्हाट डू वी कॉल, जैसे कंफ्यूजन होने लगेगा पेशेंट को एंड पेशेंट विल हैव एक्सपीरियंस हेडेक, डिजीनेस, ये वाले साइन इन सिम्टम भी इंक्लूड हो जाएंगे, राइट, इन एक्यूट रीनल फेलियर स्टेज. एडिमा तो हो गई होगा बाय डिफॉल्ट, एडिमा भी होगा. सो दीज आर सर्टेन पर्टिकुलर जो आपके फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाले साइन एंड सिम्टम है, वो भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होंगे. वेट गेन होगा पेशेंट का. इट इज इम्पोर्टेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट आपको मॉनिटर करना है, जिसमें वेट पेशेंट का गेन मॉनिटर करना है ऑन रूटीन बेसिस. रेगुलरली पेशेंट का वेट मॉनिटर करते चलना है इन ऑर्डर टू इवेलुएट पेशेंट का फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, राइट. इतना समझ में, ये हमारा बेसिक है. अलोंग विद दैट पेशेंट आपका जो है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्योंकि अब किडनी वोंट बी एबल टू फिल्टर आउट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट, सो पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. पेशेंट विल एक्सपीरियंस हाइपरकैलीमिया. हाइपरकैलीमिया भी पेशेंट को होगा, क्योंकि पोटेशियम आपका एक्सक्रीट आउट नहीं होगा. जिसके लिए अब इसके मैनेजमेंट में हाइपरकैलीमिया अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सलेट एनीमा दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि पोटेशियम को रिप्लेस करेगा, राइट. इसके अलावा हम कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ताकि वो जो है आपके पोटेशियम को रिप्लेस करे, जो एक्सेस लेवल ऑफ पोटेशियम है ब्लड के अंदर, वो भी हम मैनेज दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं हाइपरकैलीमिया को मैनेज करने के लिए, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर. यस, वी डू हैव द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी. एक्यूट किडनी इंजरी का प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकते हैं? सो फार हमने जितना भी पढ़ा अभी एक्यूट किडनी इंजरी में, जितने भी फेजेस पढ़े थे, सब में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी कॉमन थी कि ब्लड सप्लाई, हाइड्रेशन, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट. तो सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट आपका डिहाइड्रेटेड ना हो. नंबर वन, ऑलवेज मेक श्योर पेशेंट आपका हाइड्रेट होना चाहिए. पेशेंट का फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेजर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ रीनल इंजरी वाले पेशेंट का, राइट. इन केस अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है एंड द पेशेंट इज एट रिस्क फॉर शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, देन मेक श्योर यू हैव टू प्रोवाइड इमीडिएट मेजर, अदरवाइज इट विल सब्सिक्वेंटली लीड टू किडनी इंजरी. क्योंकि अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, ब्लड परफ्यूजन, ब्लड वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन लो हो सकता है, राइट. तो शॉक वाले पेशेंट को हमें फ्लूड एंड वॉल्यूम जो भी एडमिनिस्टर करना है उसको एडमिनिस्टर करना है ऑन एन अर्जेंट बेसिस. हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए. क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करना है, जिसमें पेशेंट का आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर, जुगलर वेन प्रेशर, सीवीपी प्रेशर, यूरिन आउटपुट, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है. ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्हेनेवर वी आर, अगर किसी पेशेंट को आपका ऑलरेडी किडनी इंजरी वाला पेशेंट है, राइट, और उसको ब्लड एडमिनिस्टर करना है, देन वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन. स्पेशली पेशेंट को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इंजरी या इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ फर्दर इफेक्ट करेगा किडनी इंजरी पे, राइट. देन वी हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. किसी भी फॉर्म का हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, स्किन को असेस करता रहना है पेशेंट के, लाइन्स एंड ट्यूबिंग्स को असेस करना है, कोई भी लाइन एंड ट्यूबिंग से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो. देन टॉक्सिक ड्रग्स इफेक्ट एज वेल. नाउ लेट मी टेल यू,
हमने एक चीज डिस्कस करी थी अंडर द क्लासिफिकेशन, दैट इज ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, राइट। जो आपके ये जो पेरेंकाइमल ये ट्यूब्यूलर जो सेल होते हैं, इनका नेक्रोसिस और इस्चीमिया हो सकता है। देर आर सर्टेन मेडिकेशन जो कि दे दैट कैन डैमेज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दैट कैन कॉज डैमेज टू दिस ट्यूब्यूलर टिश्यूज। और ये मेडिकेशन क्या होती है, देर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स जैसे कि वैंकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, राइट। तो ये कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो हमें पता है दैट कैन हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द किडनी स्ट्रक्चर। तो वो मेडिकेशन को अवॉइड करना है अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड है किडनी इंजरी। लेट मी राइट डाउन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड वैंकोमाइसिन, राइट। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड वेंकोमाइसिन, दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक है जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है और दे कैन डैमेज द पैरेंकाइमल ट्यूब्यूलर टिश्यू, राइट। तो वो हमें अवॉइड करना है। सो दीज आर सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो कॉम्प्लिकेशन है जो आपकी एक्यूट रिनल इंजरी वाले पेशेंट को हो सकती है, एंड दीज आर, सबसे पहला जो आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एक कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज द किडनी वोंट बी एबल टू एक्सक्रीट आउट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, तो पेशेंट कैन एक्सपीरियंस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। दीज आर टू कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एक्यूट किडनी इंजरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग पार्ट। देखिए द कॉमन, लेट मी डिस्कस द मोस्ट कॉमन वन। जब भी हम एक्यूट किडनी इंजरी की डायग्नोसिस एंड असेसमेंट पार्ट में बात करते हैं, तो सर सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका यूरिन एनालिसिस आएगा, जिसमें यूरिन का कलर की, इफ आई टॉक अबाउट द यूरिन कलर, सो ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। राइट, ब्राउनिश क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ आरबीसीज एंड हेमोग्लोबिन। हमने पढ़ा था उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया, तो वो प्रोटीन आरबीसीज हेमोग्लोबिन किसी को नहीं होल्ड कर पाएगा, इट गेट फिल्टर आउट थ्रू द यूरिन। सो आपका जो ब्राउनिश कलर देगा उसका जो यूरिन का कलर होगा, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, सो ऑफकोर्स इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी लेस देन 1.020 होगी, एंड इसके अलावा यूरिन का जो पीएच होगा वो आपका 7 होगा, राइट। 7 होगा, 7 क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मेटाबॉलिक वेस्ट तो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं ना, इसीलिए 7 होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से, या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से। सो उसका जो पीएच होगा समवेयर अराउंड 7 होता है। अच्छा, यूरिनरी आउटपुट की अगर हम बात करें, सो यूरिनरी आउटपुट कैसे होगा, द मोमेंट आपका रीनल इंसल्ट होता है, जब रीनल इंजरी होती है, तो उस टाइम पे इट कैन पेशेंट कैन एक्सपीरियंस एनी यूरिया विच इज 100 लेस देन 100 ml पर 24 आवर, टू ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया भी एक्सपीरियंस कर सकता है, जो कि ओलिग्यूरिया आपका फेजेस है एक्यूट रीनल फेलियर का, विच इज लेस देन इक्वल टू 400 ml पर 24 आवर, राइट। सो दीज आर सर्टेन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो कि एसोसिएटेड होती है एक्यूट रिनल फेलियर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, देखो मेडिकल मैनेजमेंट में देर आर टू पार्ट, लेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो इसमें किस तरीके की डाइट वी कैन गिव और वी कैन एडवाइस टू द पेशेंट, सबसे सिंपल है, क्योंकि पेशेंट का प्रोटीन लॉस हो रहा है, राइट। पेशेंट नीड मोर प्रोटीन टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड, उसकी एनर्जी के लिए मोर प्रोटीन चाहिए, तो यहाँ पे हम हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे पेशेंट को।
हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे फॉर पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट रिनल फेलियर। अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, सो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देर आर डिफरेंट सेगमेंट, जैसे हाइपरकैलेमिया हो गया, हाइपरकैलेमिया के कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, क्या एक्सलेट एनिमा दे दिया आपने ताकि पोटेशियम को हम डिप्लीट कर सके, रिप्लेस कर सके। अदर देन दैट पेशेंट को फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड है, पेशेंट का क्या है फ्लूड एडिमा हो रखा है, फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड है, हमें फ्लूड वॉल्यूम रिड्यूस करनी है, तो उसके लिए हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि फ्लूड वॉल्यूम को कंट्रोल कर सके। एंड विद दैट हम सपोर्टिव मैनेजमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की मॉनिटरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है आपका मॉनिटर द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंट को स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट आपका मॉनिटर करना, जिसके लिए यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा पेशेंट को अंडर द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। राइट, पेशेंट का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टेटस असेस करना है, बिकॉज फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ तो पेशेंट को जो है पेशेंट का मेंटल स्टेबिलिटी इंपेयर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्शियस लेवल असेस करना है पेशेंट का। राइट, उसका प्रेजेंस ऑफ कोई रेस्टलेसनेस नहीं है, बिकॉज जब भी पेशेंट को जो है कोई भी जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपेयरमेंट होता है, द फर्स्ट एंड अर्ली इंडिकेशन इज पेशेंट एक्सपीरियंस रेस्टलेसनेस। सो ऑलवेज असेस द पेशेंट फॉर रेस्टलेसनेस, पेशेंट को घबराहट या कोई रेस्टलेसनेस तो नहीं हो रही है। राइट, असेस द पेशेंट फॉर द एडिमा, क्योंकि फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो पिटिंग एडिमा, जो भी डिपेंडेंट एरिया है, स्किन, फेस, पेडल एरिया, जो भी डिपेंडेंट एरिया है वहां पे हमें एडिमा को असेस करना है। एंड वी हैव टू असेस द डिग्री ऑफ एडिमा एज वेल। डिग्री ऑफ एडिमा प्लस वन है, प्लस टू है, इस तरीके से, तो डिग्री एडिमा देखना है। देन यू हैव टू मॉनिटर द हार्ट रेट, हार्ट रेट आपको मॉनिटर करना है, जिससे कि आपको कहीं पता चले कहीं सर्कुलेटरी ओवरलोड तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, जुगलर वेन डिस्टेंशन, सेंट्रल वीनस प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये हम क्यों असेस कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सर्कुलेटरी ओवरलोड। देन ऑस्कल्टेट करना है लंग एंड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड तो समझ में आता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो उसकी वजह से, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमने डिस्कस किया, वन ऑफ द कंडीशन जिसकी वजह से इंपेयर्ड ब्लड सप्लाई हो सकती है एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू प्री रीनल स्टेज ऑफ किडनी इंजरी। राइट, लंग में क्या हो सकता है, जब पेशेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड वाला होता है तो कहीं ना कहीं इट कैन रिजल्ट इनटू पल्मोनरी एडिमा। We all know this easily, जो है pulmonary edema हो सकता है, तो उसके लिए we have to regularly patient का जो है lung sound को auscultate करना है to early identification of pulmonary edema and starting the treatment accordingly, right? Strict intake and output monitor करना है, patient का weight करना है daily. Whenever you are measuring the weight of the patient, make sure as a nurse, ये आगे लिख लेना आप लोग, हमें make sure करना है कि weight हमें same टाइम पे लेना है, सेम मशीन से लेना है, डू नॉट चेंज द मशीन। जो आपकी वेइंग मशीन होती है इट शुड बी एक्यूरेट एंड वैलिडेट करके लेना है, एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग दे उसका जो है हमें, ये जो भी मशीन आप यूज करो तो सेम मशीन से सब्सिक्वेंटली जब तक आपका पेशेंट एडमिट है एंड द पेशेंट इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट, यू हैव टू मॉनिटर द वेट एट द सेम टाइम और विद द सेम मशीन। जैसे मॉर्निंग में 8 AM आपको लेना है, तो लगातार जब तक एडमिट है आप 8 AM लोगे, सेम मशीन से लोगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्लक्चुएशन इन द पेशेंट वेट, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्यूरेट वेट लिखना है। पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ द फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड। राइट, एंड इसके साथ साथ जितनी भी इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर है वो हमें फॉलो करना है, पेशेंट की स्किन को असेस करना है, क्योंकि पेशेंट को एडिमा होगा, प्रेशर अल्सर का रिस्क है, मॉइस्चर नहीं बनने देना, स्किन को इंटैक्ट रखना है, स्किन को सपोर्ट देना है बाय यूजिंग कंफर्ट डिवाइसेस लाइक वाटर मैट्रेस, एयर मैट्रेस, पोजीशनिंग ऐसे करनी है पेशेंट को कि ज्यादा पूरा पेशेंट का वेट बॉडी का सेक्रल रीजन पे ना पड़े, या फिर बहुत ज्यादा जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है वहां पे ना पड़े, दैट कैन इजिली प्रोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। राइट, सो दीज आर सर्टेन नर्सिंग मैनेजमेंट जो आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। ये हमारा ओवरऑल एक्यूट किडनी इंजरी का पूरा स्ट्रक्चर था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट अस रिवाइज वन मोर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, यू ऑल कैन राइट, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत वेरी शॉर्ट आंसर में इजिली आप लिख सकते हो। बट क्लासिफिकेशन एंड फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद नर्सिंग मैनेजमेंट। सो क्लासिफिकेशन, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल।
प्री रीनल की बात करें, इसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी। रीनल की बात करें तो रीनल में क्या हो रहा था, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस। क्यों हुआ वो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड सप्लाई लेस था। ब्लड सप्लाई लेस होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा। पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक में, राइट right? किसकी वजह से हुआ, द रीजन आर लिस्टेड हियर। देन फेजेस की बात करें, देयर आर फोर फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ऑनसेट जब स्टार्ट होता है, ओलिगुरिया, देन डायरेसिस में आता है। डायरेसिस में धीरे धीरे कंडीशन इज गेटिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल फेज, राइट, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड रिकवरी, बट स्टिल इफ देयर इज एक्सटेंसिव किडनी इंजरी एंड पेशेंट इज नॉट रिसीविंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट कैन रिजल्ट इनटू एंड स्टेज रीनल डिजीज। यस, सो दिस वी ऑल हैव डिस्कस्ड। सो ये हमारा आज का जो टॉपिक था रिलेटेड टू द एक्यूट रीनल फेलियर एंड द क्रॉनिक रीनल फेलियर का, जो कि ब्रीफ में हमने बताया। आई होप ये समझ में आया होगा। इट इज इम्पोर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको लिखकर, वट एवर, स्पेशली जब आपके एग्जाम पास आने वाले होते हैं। सो मेक श्योर कि आप उसे नोट्स की तरह उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, डेफिनेशन की एंड जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हाई जो मैक्सिमम जो मार्क्स स्कोर होते हैं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से होते हैं, 5 मार्क्स 8 मार्क्स के, राइट। तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट विल रिटेन इन योर माइंड। तो आप भूलेंगे नहीं, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम जो आपका होगा उसमें आप लिख लोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सो आई होप द सेशन इज क्लियर टू ऑल एंड नाउ विद दिस विल सी यू ऑल विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।